अगर मैं एक पेज पे हूँ, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक्सेल में ये ऑप्शन मौजूद नहीं होगी। आपने जब एक्सेल आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, ऑफिस बटन में जाकर एक्सेल ऑप्शन, एक्सेल ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर है शो डेवलपर टैब, ठीक है। इस चेकबॉक्स को ऑन करना है, ओके के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब डेवलपर आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर आपके पास मौजूद है ऑप्शन रिकॉर्ड मैक्रो की, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, मैक्रो का कोई भी नाम दे दिया, मैं बिलफर्स यहाँ पर एग्जाम इन्फो दे देता हूँ, एग्जाम इन्फो, ओके किया। अब मैं एग्जाम इन्फो पे जाता हूँ। अब इसने देखा कि मैं एक शीट से दूसरी शीट पे, जिस शीट पे गया उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। जैसे टेप रिकॉर्डर होता है आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, सेम इसी तरीके से ही आपके एक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद दोबारा यहाँ पर आया और डेवलपर के अंदर यहाँ पर मैंने एक बटन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपके पास एग्जाम इन्फो के नाम का मैक्रो है, इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है जी। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एग्जाम इन्फो पे जंप कर गया, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है। ये था मैक्रो का एक शीट से दूसरी शीट, ठीक है जी। ये था एक शीट से दूसरी शीट तक जंप करना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर या तो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक करके साइन मैक्रो, और फिर भी जिस नाम से आपने मैक्रो साइन किया था वो आप दे सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड किया था उसका साइन कर सकते हैं। ये था मैक्रो का वर्क कि आपके लास्ट एक्शन को ये बेसिकली रिकॉर्ड करता है। मैं यहाँ पर शिफ्ट एफ 11 करता हूँ, शीट ऐड करने की शॉर्टकट की है, एक शीट ऐड की। यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाकर मेरे पास ऑप्शन है कम बॉक्स या लिस्ट बॉक्स, ठीक है, इसमें से किसी को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद इसी पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल में गए, इनपुट रेंज, ठीक है, इसमें यहाँ पर आकर जिसमें से उठाने, मैंने कहा फाउंडेशन चाहिए, ये चाहिए, यहाँ तक ये 4-5 मुझे रिकॉर्ड्स हैं, इनको सिलेक्ट कर लिया। सेल लिंक, यहाँ पर किसी भी सेल के ऊपर क्लिक किया और ओके के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर आकर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर करता हूँ, इस पर करता हूँ, जिस पर भी करना चाहूँ, तो उसके लिंक्स बेसिकली ये लिंक लग गए, नंबर 1 पर ये है, नंबर 3 पर ये है, नंबर 5 पर ये है, ये लिंक लग गया, ठीक है। नंबरिंग का लिंक लगा हुआ है कि ये कितने नंबर पे, फर्स्ट पे है, ये कौन से नंबर पे है, ये लास्ट नंबर पे, ये आपको यहाँ पर शो करवा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस लिस्ट का किसी के साथ लिंक नहीं है, तो लिंक के लिए मैंने ये रेफरेंस दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ, हेडिंग देता हूँ इस जगह पर कोर्स की हेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फार्मूला होता है हमारे पास वी लुकअप का, वर्टिकल लुकअप, ठीक है, मैं करता हूँ इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट स्ट्राइक, यानी कि वर्टिकल वैल्यू को ये क्या करेगा, देखेगा। यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट शो कराता है लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू आपने देखनी है वो कौन सी देखनी है, मुझे ये वाला रिकॉर्ड बेसिकली चाहिए ना आयल्स का, तो आयल्स का लिंक किसके साथ है, इसके साथ, ठीक है। मुझे ये वाला रिकॉर्ड देखना है, जो यहाँ पर चेंज होगा वो यहाँ पर भी चेंज होगा। नंबर 5 में क्या आयल्स, तो आयल्स ही डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद कहता है टेबल अरे कि आपको किस में से ये वाली वैल्यू चाहिए, जो देखनी है वो किस में से चाहिए। टेबल अरे कॉमा लगाकर मैं उस टेबल में जाता हूँ और उस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसमें से मुझे चाहिए, ठीक है। ये कौन कितने कॉलम से, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां कॉलम है। मैंने कॉमा लगा के 8 लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया एंड एंटर। यहाँ पर आंसर क्या है, जो सिलेक्ट किया था वही मेरे पास आ गया, आ रही बात समझ, ये, ठीक है जी। अब मुझे बेसिकली उठाना है इसको, ये यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज मौजूद है मुझे इसको उठाने हैं, ठीक है, कि कोर्स आना चाहिए। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कोर्स है, तो कोर्स की वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए और कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैक्रो को रन करता हूँ, ठीक है, मैक्रो का नाम दे दिया, एडवांस फिल्टरिंग या जो भी इसका नाम रखना है, ठीक है, ओके किया। ओके करने के बाद मैं डाटा में जाता हूँ, डाटा में मेरे पास है जी एडवांस फिल्टर, ठीक है। एडवांस फिल्टर में कहता है लिस्ट रेंज, यहाँ से मैं ये सारी लिस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। लिस्ट सिलेक्ट की, उसके बाद क्राइटेरिया देता है मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ पर क्राइटेरिया है, कॉपी टू, ठीक है। यहाँ पर आकर आप जितने भी सेल्स हैं आपके पास, टोटल 8 हैं, यहाँ पर 8 सेल्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यूनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, इसे ऑन किया और यूनिक रिकॉर्ड को ऑन कर लिया, ओके किया।
ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। आंसर अब जिसको सिलेक्ट किया उसका आया हुआ है, ठीक है। मैक्रो को आप पहले तो स्टॉप करें ना सबसे पहले, और जो मैक्रो इस पर रिकॉर्ड लगाया था उसी को असाइन कर दें। मैंने क्लिक किया तो मैक्रो टू के नाम से था, ठीक है। यहाँ पर चेक करें क्या मैक्रो टू आपके पास कहीं पर है। कोशिश कीजिएगा कि जिस काम के लिए जो मैक्रो यूज़ किया जाए वो नाम रखा जाए, और मैक्रो का नाम रखते हुए स्पेस नहीं आती ना ही डैश होता है, स्पेलिंग साथ साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर नाम लंबा हो जाए तो स्पेस नहीं देनी, ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। ये याद रखिए नाम दें, जैसे मैक्रो टू है, मैंने ओके किया, साइन किया इसको। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, ग्राफिक्स, ये क्या हार्डवेयर, ये क्या स्पोकन, ये क्या आर्ट्स, और इनके रिकॉर्ड्स में शो। अब होता क्या है कि आपके पास जो मेन से डाटा उठाते हैं ये तो चंद एक रिकॉर्ड्स थे ना, वो तो आपके पास हज़ारों के हिसाब से रिकॉर्ड्स होते हैं उन तमाम एडवांस फिल्टर, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन का तरीका था, ठीक है। एक फ़िल्टर और भी होता है जिसे हम ऑटो फिल्टर बोलते हैं। उसमें ये होता है कि आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिल्टर पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली ये फ़िल्टर लग गया, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट किया, ऑटो फिल्टर पे क्लिक किया, इसके ऊपर फ़िल्टर लग गया। अब इसमें से मुझे कौन कौन सा रिकॉर्ड नहीं चाहिए उनको ऑफ़ कर दें। अब इसमें ऑप्शन है ना, इसमें आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक को सिलेक्ट किया, एक का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। दोबारा इसी पे गया, एक और भी ऑन कर लिया, अब क्या रहे, दो आ रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर आकर दोबारा क्लिक किया तो मैंने तीसरा, चौथा, पाँचवा, जितने भी हैं उनको भी क्लिक कर दिया, उनके रिकॉर्ड्स भी आ गए, ठीक है। ऑटो फिल्टर में ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए करते हैं। अब उसमें होता ये है, आपके पास बहुत सी कंपनी का रिकॉर्ड्स मौजूद होता है, उसमें से स्पेसिफिक एक कंपनी का रिकॉर्ड चाहिए, बजाय इसके कि बार बार आप उसको यूज़ करें इतना सारा रिकॉर्ड। एक मिनट में आपको बता, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं इसको ना यहाँ पर फिल्टर ऑफ करता हूँ। अब मुझे बताएं, यहाँ पर अगर यही रिकॉर्ड आपके पास बेशुमार रिकॉर्ड हो, ठीक है, आप कोर्स को फ़िलहाल फाइंड कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ जी मुझे आप फाउंडेशन का रिकॉर्ड जो है ना वो निकाल के दें, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसे निकालेंगी कैसे, आपके निकालने का तरीका ये होगा कि यहाँ पर इसे एक दो, ठीक है, आप कहेंगे जी दो एडमिशन है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मुझे ग्राफिक्स के निकाल के बताएं, आप यहाँ पर काउंट करेंगे एक दो, हो सकता है काउंट करते हुए आपसे गलती भी हो जाए, बात समझ में। आप ये चीज़ करने के बजाय, आपको अगर कहा यह जाता है कि आपने सिर्फ फलाना निकालना है, तो ऑटो फिल्टर एक सिंपल तरीका है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक किया, आपको जो जो चाहिए, आप फॉर एग्जांपल फाउंडेशन चाहिए, इसे टिक किया, ओके किया, तो ये आपके पास सिर्फ फाउंडेशन का रिकॉर्ड, बाकी किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं, ठीक है। दोबारा इसी में गए, अगर आपको किसी ने कहा जी साथ में ग्राफिक्स भी चाहिए, आपने दो ऑन कर दिए, किसी ने कहा जी इसके साथ तीसरा भी चाहिए, तो वो भी ऑन कर दिए, चौथा चाहिए, तो बात वही आ गई कि सारे आपको रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पर, ठीक है, फिर सारे ऑन कर लिए। अगर वो कहता नहीं मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक रिकॉर्ड की है, एक सब्जेक्ट की है, तो एक को क्लिक कर दें। अब मैं कहता हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए, तो किसी वक्त भी हम ऑफ़ कर सकते हैं, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इसमें है कि मेरे पास चेक बॉक्स हैं, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, मैं कहता हूँ एक ही आना चाहिए, और मेरी अलग से शीट के अंदर ये सारे आंसर होने चाहिए, इसके अंदर ना हो, तो उसके लिए मुझे अलग से जो फैसिलिटी देता है वो एडवांस फिल्टर देता है। वहाँ पर एक तो अलग से यहाँ पर जो है लिस्ट में अपनी बना सकता हूँ, या डायरेक्ट यहाँ पर नाम भी लिख सकता हूँ, तब भी ये काम हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट एफ ही लिखता हूँ, फाउंडेशन। अब यह है कि यहाँ पर एक मैक्रो जो असाइन किया हुआ था, वो मैक्रो आपको किसी चीज़ के ऊपर असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि विलफर्ज, सॉरी ये नहीं करूँगा क्योंकि वीलुकअप का फॉर्मूला, इस पर क्लिक किया, ये रिकॉर्ड्स आ गए, ये आ गए। इसी तरह आपको एक बटन बनाना पड़ेगा, बटन इसके ऊपर भी काम कर जाएगा, लेकिन बजाय इसके कि आप सर्च का बटन बना लें जी, जो टेक्स्ट लिखा वो सर्च करके आपको शो करें। आप जैसे नेट के ऊपर अपना एग्ज़ाम देखते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं, रोल नंबर लिखा, सर्च के बटन पर क्लिक किया और सर्च करके वहाँ से निकाल के आपको शो करवा देता, तो सेम फिल्टर भी वही काम करता है। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर ना क्यूरी एक चलाते हैं, तो वो क्यूरी क्या करती है कि आपके स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को उठाकर तो आपके सामने ले आता है। अब इतने सारे रोल नंबर हैं, आपको सिर्फ अपने रोल नंबर की सारी डिटेल चाहिए, तो उसके लिए आप फिल्ट्रेशन को यूज़ कर देंगे, वहीं पर एक बटन बना लें, सर्च का क्लिक करें, सेम वैसे काम करके इसको उठा के बेशक नेट पर फेंक दें, वैसे ही काम करेगा जैसे आपका नॉर्मली काम कर रहा होता है, ठीक है।
तो आपका नंबर जो देंगी उसी नंबर के हिसाब से वो देगा और किसी के हिसाब से वो नहीं देगा। यहाँ पर अगर कुछ और लिखेंगे नहीं देगा, क्योंकि कोर्स की हेडिंग है तो कोर्स ही लिखना पड़ेगा। आप नंबर लिख के नहीं आंसर ला सकते, फिर आपको उसी के थ्रू लाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका सिंगल रिकॉर्ड्स के लिए, ये हमारे कंट्रोलर होते हैं। ठीक है, लिस्ट बॉक्स है ये इस वक्त जी। जी जी डेवलपर में जाके के बिल्कुल। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। ठीक है, डेवलपर में आपके पास यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, जिसके साथ आप अपने फॉर्म्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स भी हम लोग इन्हें बोलते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर लिस्ट भी है। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें बहुत सी डिटेल निकल आती है, मैंने काफ़ी डिटेल्स में इसमें वर्क किया हुआ है, तो उसमें कोडिंग और इवन के आप अगर इन कंट्रोल को यूज़ करते हैं तो ये सारे टैब बटन्स, ये बोर्ड्स, अटैली, ये सब कुछ आप खुद इसमें बना सकते हैं। इस लेवल तक आप काम करें, प्रोग्रामिंग लेवल इसमें इंक्लूड हो जाएगा साथ में। ठीक है, लेकिन बहुत हाई लेवल के ऊपर अभी काम तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वही सारा काम करना फिर इसे करने की क्या जरूरत है, प्रोग्रामिंग कर लें। ठीक है, उसमें तो बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे बताएं, ये चीज़ समझ में आई है आपको? ठीक है।